This is the Delhi station of All India Radio. Please stand by for an important broadcast. This is All India Radio. On the eve of Independence Day, we now bring you Honorable Union Defence Minister Shri Rajanath Singh's Address to the Armed Forces. Ye Akashwanihe Swatantrata Divaski Purv Sandhapar Aprasthuthe केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का सैनिकों के नाम संदेश मेरे प्यारे सैनिकों आज मध्य रात्रि को हमारे देश को विदेशी दास्ता से मुक्त हुए पचहत्तर वर्ष पूरे हो रहे हैं इस पावन अवसर पर संपूर्ण राष्ट्र हर्षोल्लास से ओतप्रोत है उत्तर में हिमालय की चोटियों से लेकर दक्षिण के महासागर एवं थार के मरुस्थल से लेकर पूर्वोत्तर के जंगलों तक राष्ट्र रक्षा की प्रथम पंक्ति में डटे सेना नौसेना वायुसेना एवं तटरक्षक बल के वीर सैनिकों एवं सैन्य अधिकारियों को इस अमृत महोत्सव पर मैं कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं उन वीर पूर्व सैनिकों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने राष्ट्र पर अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया स्वतंत्रता के इस महान पर्व पर उन्हें कौन भूल सकता है जो लॉर्ड के घर ना आए संपूर्ण सम्मान के साथ उनके नाम राष्ट्रीय समर स्मारक पर स्वर्णाक्षरों में अंकित किए गए हैं वर्तमान में सेवारत वीर सैनिकों के परिजनों को भी आभार जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़ों को राष्ट्र की सेवा में समर्पित किया है मेरे प्यारे सैनिकों हमारे यहाँ वीरों के समानांतर वीरांगनाओं की भी बड़ी पुरानी परंपरा मिलती है विभिन्न कालखंडों में आप देखेंगे तो पाएंगे कि रानी प्रभावती रानी नागनिका रानी रुद्राम्मा रानी दिद्दा रानी वेलेंचियार रानी गादिन्यू और रानी चनम्मा जैसी अनेक वीरांगनाओं ने राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र निर्माण में नारी शक्ति को नई ऊंचाइयां दी हैं रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को कौन भूल सकता है सन अट्ठारह के स्वतंत्रता संग्राम में वो क्या खूब लड़ी आज मुझे पूर्ण विश्वास है आर्म फोर्सेस की सुप्रीम कमांडर एवं भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के नेतृत्व में हम राष्ट्र की रक्षा के नए आयाम स्थापित करेंगे मेरे प्यारे सैनिकों शौर्य और पराक्रम की अविरल परंपरा को भारत की बेटियों ने आज भी अक्षुण रखा है इसी निरंतरता को बनाए रखने के लिए तथा वीरांगनाओं की परंपरा को नए आयाम देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने सेना के सभी अंगों में नारी शक्ति के प्रतिनिधित्व को अधिकाधिक सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं आज सशस्त्र सेनाओं की अनेक विधाओं में युवतियों का प्रवेश सुनिश्चित किया जा रहा है एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत महिलाओं को नेशनल डिफेंस एकेडमी, खड़गवासला में पहली बार प्रवेश की अनुमति दी गई इसके लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर एवं फैसिलिटी विकसित की गई है मेरे प्यारे सैनिकों हमारी सेनाओं ने अब तक हुए युद्धों में शानदार प्रदर्शन किया है भविष्य में होने वाले युद्धों की नेसेसिटीज एवं कॉम्प्लेक्सिटीज को ध्यान में रखते हुए हम तीनों सर्विसेज के बीच ज्वाइंटनेस की दिशा में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं इसे ध्यान में रखते हुए मुंबई गुवाहाटी और पोर्ट ब्लेयर में ज्वाइंट लॉजिस्टिक डोर्स स्थापित किए गए हैं ये डोर्स आर्म फोर्सेस को उनके छोटे हथियारों गोला बारूद राशन ईंधन जनरल स्टोर के सामान असैन्य लोगों के परिवहन एविएशन क्लोदिंग और अन्य सामानों के लिए इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक कवर प्रदान करेंगे और उनके अभियानों के प्रयासों के बीच तालमेल के लिए इंजीनियरिंग सहयोग भी प्रदान करेंगे हमारी आर्म फोर्सेज ने यलेसी येलो सी इंटरनेशनल बॉर्डर्स टेरिटोरियल वाटर्स पर उच्च स्तर की सतर्कता और सुरक्षा बनाए रखी है हमारी सेनाएं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूर्णतः सक्षम हैं उनकी आवश्यकताओं की हर संभव पूर्ति की जा रही है माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार अग्निवीर योजना का क्रियान्वयन भी सैन्य सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है इस योजना के अंतर्गत चुने गए युवा अग्निवीर होंगे अग्निपथ देशभक्ति से ओतप्रोत युवाओं को चार वर्ष की अवधि के लिए आर्म फोर्सेज में सेवा करने का अवसर प्रदान करता है जो अग्निवीर चार वर्ष बाद सेना से बाहर निकलेंगे उनके हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई प्रभावी कदम उठाए हैं हमने आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए रक्षा मंत्रालय में नौकरियों की 10 प्रतिशत वैकेंसीज को रिजर्व करने का प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है यह आरक्षण इंडियन कोस्ट गार्ड रक्षा सैन्य पदों एवं पब्लिक सेक्टर के सभी 16 रक्षा उपक्रमों में लागू किया जाएगा गृह मंत्रालय ने भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एवं असम राइफल्स की वैकेंसी में 10 प्रतिशत रिजर्वेशन को हरी झंडी दे दी है शिपिंग मंत्रालय ने भी मर्चेंट नेवी के अंदर अग्निवीरों की भर्ती के लिए नए अवसरों की घोषणा की है विभिन्न राज्य सरकारों एवं निजी क्षेत्र ने भी नौकरियों में इन्हें वरीयता देने का आश्वासन दिया है सैनिक स्कूलों में प्रवेश अधिक सुलभ बनाने के लिए मंत्रालय ने गैर सरकारी संगठनों निजी स्कूलों राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में तेरह राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश में उन्नीस स्कूलों के खोले जाने की अनुमति दी गई है ये स्कूल पार्टनरशिप मोड में देश भर में स्थापित किए जाने वाले सौ नए सैनिक स्कूलों में से हैं सभी सैनिक स्कूलों में लड़कियों को प्रवेश दिया जा रहा है मुझे इस बात का भी अत्यंत हर्ष हो रहा है कि भारत ने इस वर्ष बर्मिंगहम में संपन्न कॉमनवेल्थ गेम्स में बेहतरीन प्रदर्शन कर पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया है इस उपलब्धि में हमारी आर्म फोर्सेस के खिलाड़ियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है जिन्होंने जीते गए कुल इकसठ पदक में से छह स्वर्ण सहित कुल पंद्रह पदक प्राप्त किए हैं मेरे प्यारे सैनिकों माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करते हुए रक्षा मंत्रालय ने पिछले वर्ष मूल्य के आधार पर 90 प्रतिशत से अधिक की खरीद डोमेस्टिक वेंडर्स के लिए अनुमोदित किया है इसके अलावा हमने 2021 22 में डिफेंस एक्सपोर्ट में 13000 हजार करोड़ रुपए के उच्चतम आंकड़े दर्ज किए जो चार 5 साल पहले की तुलना में लगभग आठ गुना अधिक हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021 22 के दौरान एक्सपोर्ट में 70 प्रतिशत योगदान प्राइवेट सेक्टर का रहा है आर्न फैक्ट्री बोर्ड का हालिया कॉर्पोरेटाइजेशन सफल कदम साबित हो रहा है और सात नई कंपनियां आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटी डेवलपमेंट की दिशा में अच्छा काम कर रही हैं। इनमें से छह ने अपने कारोबार के पहले छह महीनों के दौरान ही प्रॉफिट कमाया है थोड़े समय के भीतर ही ये डी क्रमशः तीन करोड़ रुपए और छह करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपोर्ट ऑर्डर हासिल करने में भी सफल हुए हैं भारतीय नौसेना ने बीते 28 जुलाई को कोचिन सिप लिमिटेड से प्रेस्टीजियस इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत की डिलीवरी लेकर इतिहास रचा है भारतीय नौसेना के इन हाउस डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन द्वारा डिजाइन किए गए इस वाहक का नाम भारत के एक पूर्ववर्ती एयरक्राफ्ट कैरियर के नाम पर रखा गया है जिसने उन्नीस के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसके अतिरिक्त मई 2022 में दो इंडिजिनस फ्रंटलाइन वारशिप्स वारशिप आई एन एस सूरत और आई एन एस उदयगिरी की कमीशनिंग की गई ये दुनिया को भारत की स्ट्रेटेजिक पावर और आत्मनिर्भरता का परिचय देती हैं। नौसेना द्वारा डोरनियर समुद्री एयरक्राफ्ट विमेन पायलट्स के पहले बैच की तैनाती भी एक उल्लेखनीय कदम है परिणाम स्वरूप नेवल एयर इनक्लेव पोरबंदर स्थित आई एन की मिशन कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा की अगुवाई में पांच ऑफिसर्स ने 3 अगस्त 2022 को डोरनियर 228 एयरक्राफ्ट से नॉर्थ अरेबियन सी में फर्स्ट इवर ऑल वुमेन इंडिपेंडेंट मैरिटाइम रिकॉनेसेंस एंड सर्विलेंस मिशन पूरा कर इतिहास रचा 31 महिला अधिकारियों को लगभग 12 फ्रंटलाइन वारशिप पर ऑन बोर्ड अपॉइंट किया गया है इतना ही नहीं नौसेना ने हाल ही में अफसर कैडर के अतिरिक्त अब सेलर्स की नियुक्तियों में भी विमेन के प्रवेश के रास्ते खोले हैं इसके अतिरिक्त मार्च 2022 में सरकार ने आर्मी एवं एयरफोर्स के लिए हिंदुस्तान लिमिटेड से 15 लाइट कैम्बेट हेलीकॉप्टर खरीदने की मंजूरी दी स्वदेश निर्मित ये अत्याधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर आर्मी एवं एयरफोर्स की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में सार्थक सिद्ध होंगे सितंबर 2021 में डीआरडीओ ने राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय वायुसेना को एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम सौंपा मेरा मानना है कि एयर डिफेंस सिस्टम एक गेम चेंजर साबित होगा यह भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी छलांग है मेरे प्यारे सैनिकों डिफेंस सेक्टर में राष्ट्र तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है थल सेना में एम अर्जुन मार्क वन ए को शामिल किया गया है जिससे हमारी मार्ग क्षमता में वृद्धि हुई है इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड में ए एल एच मार्क थ्री एयरफोर्स में एल सी के शामिल होने के साथ आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को और मजबूती मिली है डी आर डी ओ द्वारा डिजाइन और डेवलप एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट शक्ति को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उन्नीस नवम्बर दो हजार इक्कीस को इंडियन नेवी को सौंपा है सरकार की स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज की मदद से हमारी आर्म फोर्स की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक एक हजार की, प्रस्तुत की यह परफॉर्मेंस इतना मशहूर हुआ की विदेशों से भी इस तरह के प्रदर्शन के लिए आग्रह आने लगे हैं मेरे प्यारे सैनिक को इंडियन कोस्ट गार्ड ने हमारे समुद्र तथा तेल मत्स्य और खनिज सहित ऑफशोर एसेट्स के संरक्षण एवं संकटग्रस्त नाविकों की सहायता तथा समुद्र में जानमाल की सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इसके अतिरिक्त स्मगलिंग इस रोकने में और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत में भी कोस्ट गार्ड का महत्वपूर्ण योगदान रहा है पिछले एक साल के दौरान इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो उसके साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है कोस्ट गार्ड ने इस अवधि में 170 सर्च एम रेस्क्यू मिशन कर नौ लोगों की जान बचाई और 24 अनधिकृत मछली पकड़ने वाले विदेशी नौकाओं को भी पकड़ा है यह अपार हर्ष का विषय है कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले कुछ वर्षों में स्ट्रेटेजिक वी पॉइंट से महत्वपूर्ण कई रोड्स और टनल्स भी बनाए हैं जो न केवल हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी में क्वालिटेटिव वृद्धि करते हैं बल्कि उन क्षेत्रों में रह रहे लोगों के जीवन को सुगम भी बनाते हैं बी ने पिछले पांच वर्षों में कुल मिलाकर ट्वेंटी थाउजेंड किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया है फाइनेंशियल ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू में बी द्वारा रिकॉर्ड एक सौ दो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जिसमें से एट्टी पुल और पंद्रह सड़कें शामिल हैं पूरी की गई जो एक वर्ष में अब तक सबसे अधिक प्रोजेक्ट्स हैं विगत दिसंबर में मुझे एक साथ चार स्टेट्स और दो यूनियन टेरिटरीज में बियारो द्वारा निर्मित चौबीस पुलों तथा तो तीन सड़कों को वर्चुअल माध्यम से राष्ट्र को समर्पित करने का अवसर मिला इसमें पूर्वी लद्दाख में, में ला पास पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड भी शामिल है मेरे प्यारे सैनिकों हमारे एन कैडेटों की ट्रेनिंग को आधुनिक बनाने के लिए सरकार देश भर में एन कैडेटों को उनके संबंधित क्षेत्रों में ट्रेनिंग प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए हाई टेक्नोलॉजी वाले सिमुलेटर स्थापित कर रही है एन का मित्र देशों के समान युवा संगठनों के साथ वाइब्रेंट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है इस समय भी एन द्वारा एक विशेष यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है जिसमें विभिन्न महाद्वीपों में फैले चौदह देशों के एक सौ चौबीस कैडेट भाग ले रहे हैं स्वच्छ भारत के संदेश को आगे बढ़ाते हुए पुनीत सागर अभियान के तहत युवा एनसी कैडेटों ने समुद्र तटों नदी के किनारों एवं अन्य जल निकायों को प्लास्टिक और अन्य कचरे से मुक्त करने के लिए स्थानीय लोगों में जागरूकता फैलाने का सराहनीय काम किया है इसकी सफलता को देखते हुए अन्य स्टेक होल्डर्स को शामिल कर हमने इसे एक साल का कार्यक्रम बना दिया है मेरे प्यारे सैनिक को हमारे वीरता पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा एक डेडिकेटेड वीरता पुरस्कार पोर्टल बनाया गया है यहाँ पुरस्कार विजेताओं की जानकारी प्रेरक वीडियो और युद्ध के इतिहास का भंडार होने के अलावा गैलेंट्रीपीडिया जैसे इंटरैक्टिव कॉर्नर भी हैं इसमें नागरिकों को योद्धाओं को न केवल श्रद्धांजलि अर्पित करने बल्कि उनके विषय में जानकारी एवं चित्र साझा करने का भी अवसर मिलता है अपने सैनिकों के स्वास्थ्य को अत्यधिक महत्व देते हुए हमने मिशन मोड में उनका 100 परसेंट कोविड वैक्सीनेशन कराया है यहाँ तक कि अमृत महोत्सव के अवसर पर बूस्टर डोज अभियान भी लगातार चल रहा है जिसमें पात्र सैन्य कर्मियों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है कैंटोनमेंट बोर्ड्स में रह रहे आर्म फोर्सेस एवं अन्य निवासियों को आयुर्वेद का लाभ पहुंचाने के लिए कैंटेनमेंट बोर्ड हॉस्पिटल्स और सैन्य अस्पतालों में आयुर्वेदिक केंद्र खोले गए हैं यहाँ उनका उपचार आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा होता है मेरे प्यारे सैनिकों हमारे पूर्व सैनिकों का कल्याण हमेशा इस सरकार की प्राथमिकता रही है पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को आसान और तेज करने के लिए स्पर्श प्रणाली लागू की गई है इस एंड टू एंड डिजिटल पेंशन सिस्टम ने औस्टन स्वीकृति समय को छह महीने से घटाकर सत्रह दिन कर दिया है कॉरिजेंडम पीपीओ पहले बारह महीने की अवधि के मुकाबले केवल दो तीन दिनों में ही लागू किया जाता है यह प्रणाली पेंशन ऑर्डर्स और पेंशन स्टेटमेंट का सुलभ ऑनलाइन स्टोरेज भी करती है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा मुहिम में पूरा देश बढ़ भाग ले रहा है हमारी आर्म फोर्सेज ने हमेशा राष्ट्रीय ध्वज का मान बढ़ाया है मुझे विश्वास है कि इस अभियान में भी आर्म फोर्सेज के प्रत्येक सैनिक न केवल अपने घर पर झंडा फहराएंगे बल्कि अपने फ्रेंड्स एवं रिलेटिव्स को भी ऐसा करने के लिए इनकरेज करेंगे अंत में मैं एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और यह राष्ट्र पूर्णतः आश्वस्त है कि हरेक परिस्थितियों में आप सभी इसकी गरिमा एकता और अखंडता बनाए रखेंगे और इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे इसी के साथ मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद अभी आप स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का सैनिकों के नाम संदेश सुन रहे थे डे You are listening to Honourable Union Defence Minister Sri Rajanath Singh's address to the Armed Forces. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio.